ठीक है, सेंट पैट्रिक, सेंट जोसेफ कम्युनिटी, जिस तरह की इंग्लिश कम्युनिटी में होते थे, उन्होंने वहां पे उठना बैठना सीखा, बातचीत के ढंग सीखे। उनसे ये प्रश्न था कि उन्होंने हमें स्कूलों में दाखिल करने के लिए कहा कि मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे। एक अनपढ़ औरत भी, मतलब वो जाहिल नहीं थी। मैं दो चीजें बोलती हूँ, एक चीज होती तालीम, एक होता अनपढ़, एक होता जाहिल। कुछ पढ़े लिखे भी जाहिल ही रह जाते हैं, कुछ बिल्कुल अनपढ़ भी होके वे कितने काबिल बन बिल्कुल जाते हैं। उसके बाद उनका एक जुमला बड़ा मुझे, जो अब मैं भी अपने बच्चों के लिए बोलती हूँ, वो कहती थी, जब कोई कहता था कि आंटी आपने कितनी तालीम हासिल की, तो वो मुझे देख के कहती थी, मैंने एमए भी किया हुआ है, मैंने क्या होटल मैनेजमेंट भी किया हुआ है। वो अपने जो बच्चों की एग्री, डिग्रीज होती थी ना, वो वेरी ये गुड, बोलती थी कि जबरदस्त, मैंने वेरी ये भी किया, मैंने ग्रेट। ये भी किया, मैंने ये किया। तो ये मेरे लिए बड़ा प्लस पॉइंट था कि वो कुछ नहीं करती थी, एटलीस्ट पुश करती थी हमें। और माँ का यही मैं समझती हूँ कि जिस तरह क्योंकि वो एक छोटी सोच थी, लेकिन इसी तरह अगर मैं अपने मदर इन लॉ को देखती हूँ, वो थोड़ी सोशल थी, वो एजुकेटेड थी, वो टीचर थी, और वो बहुत मोटिवेशनल पर्सनैलिटी थी। वो हमेशा लोगों को समझाती थी, जैसे वुमन टीचर्स का रोल होता है। तो मेरे लिए ये दो बड़े अच्छे, मेरे लिए जिंदगी में दोनों रोल बहुत अच्छे साबित हुए। इसी तरह जब मुझे अपनी फैमिली में, मेरे क्योंकि मैं सबसे पहला बच्चा थी, मैंने अपने बहन भाइयों को भी साथ पकड़ के रखा। यानी कि यही नहीं कि सिर्फ मैंने खुद आगे मास्टर तक किया, मैंने उनको भी, जो ढीले होते थे, क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज सोची है, सहारे की जरूरत इसको, जैसे बहन भाइयों में आपको उसको ध्यान देना जो वीक है, ना कि इसको इम्पोर्टेंट देनी जो ऑलरेडी अच्छा पढ़ रहा है। तो उसको हाथ थामो, बिल्कुल, जो पीछे नीचे की तरफ रहा है वेरी उसको गुड, बहुत उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट, ये बहुत 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 अच्छी सही बात बात। है इसी तरह जी। फिर वो चाहे मार के हो, छोटे बहन भाइयों को चाहे मार के हो या प्यार से हो, मैंने उनको भी ये अपने साथ मार के साथ तो मैंने भी बहुत समझाया हुआ और सेम थिंग जिस तरह आप, मैं वो अभी इसकी रमेशा की बात सुन रही थी, जब मैं, जैसे मैं पढ़ रही थी तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि इतना पढ़ती जाएगी रिश्ते शादियां मुश्किल हो जाती हैं। तो मैंने उस वक्त, मैंने कहा मैं तो अपने लिए पढ़ रही हूँ, शोहर के लिए थोड़ी पढ़ रही हूँ, वो पढ़े ना पढ़े मेरे क्या, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, और जब मैंने शादी की थी तो मेरे हस्बैंड ने उस वक्त, जब मेरा रिश्ता हुआ था उस वक्त, उनको कनाडा में उस वक्त भी थे, फिर वापस उनका उनका इंटरमीडिएट था और वो अपनी जॉब कमा रहे थे, तो उनको इतना नहीं था कि नहीं और पढ़ना चाहिए। लेकिन मुझे, क्योंकि मुझे आदत थी कि मैंने अपने बहन भाइयों को भी लाइन पे रखा हुआ था, उनको भी कजन्स को मोटिवेट करना, छोटों को, अपने से छोटों को, सबको, चाहे वो मेरे बहन भाई थे हाँ या जी, मेरे कजन्स है, मैंने बहुत अपने अच्छा, हस्बैंड को भी दोबारा पढ़ने पे लगाया है। वो तो तो अभी उन्होंने पढ़ रहे फिर, हैं वो तो पढ़ते ही रहेंगे। नहीं, बहुत अच्छा। और मैं आपको बताता चलूं कि ये प्रोग्राम कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा है, और हम फेसबुक पे लाइव भी हैं, लोग हमें देख रहे हैं। और इसके अलावा हम चलते हैं इधर प्रोफेसर गुरदीप सभा से, उनकी शायरी सुनते हैं। पहले हमारा तकरीबन आधा प्रोग्राम हो गया है, ये बस ऐसी ही बातें हैं जो अपने अपने तजुर्बात शेयर करने थे, और हम दूसरे लोगों के लिए, कितने लोग हमें देख रहे हैं और कितनी बातें ये उनको पता है, लेकिन हम इंसानों को रिमाइंड करवाना पड़ता है। इसलिए तो बहुत से अंबिया कराम आए, इसलिए तो उन्होंने कहा कि अब इंसानों को रिमाइंड करवाएं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, बातें हम सब जानते हैं लेकिन हमें उनको बताना पड़ता है। जी प्रोफेसर गुरदीप जी साहब, अगर आपके पास कोई गजल है या कोई पंजाबी में या उर्दू में, दोनों जुबानें समझते हैं जी। अभी उर्दू उर्दू में ही बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि औरतें जो, इन्होंने सारों ने बातें बहुत अच्छी की आपने। मेरे बहुत अच्छा, परिवार में तो मेरे माँ बाप बहुत पढ़े लिखे थे, और मेरे मम्मी उस वक्त, हम रावलपिंडी से आए थे इंडिया में, तो जी मेरा जन्म तो यहाँ हुआ, तो लेकिन वो काफी पढ़ी लिखी थी वहां भी, और मेरे पापा तो MA LLB थे, दो MA, जी दोनों जी ने जी किताबें भी लिखी। लेकिन फिर भी जो इन्होंने बात की कि माँ की तरबियत बहुत जरूरी होती है, वो बिल्कुल सही कहा। हमारी बिल्कुल, मम्मी यही बोलती रही, चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, शौहर के घर जाके अदब रखना है, उसको इज्जत मान देना है, चाहे कुछ भी गलती करे, और वो ही तुम्हारा, जैसे मुकम्मल हमें तैयारी वो शायद जान के नहीं करती होंगी, हमें बहुत प्यार करती थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमारे जहन को इस तरह से तराशा कि हमें आगे जाके झुक के रहना है, आगे से नहीं बोलना, चाहे जितने भी आप में सिफात हो, कुछ हो, तो ये चीजें तो काफी देर आगे यहाँ ये जाती तहम्मुल है ना कि आप बर्दाश्त करना है, और ये बहुत जरूरी है, और किसी भी है। कामयाब इंसान के लिए ये जो एक पहला है ना, तहम्मुल जो है, और यू हैव टू लड़कियां गो। जो ये हसास होती हैं, तो मैंने, मेरे एक, अभी कुछ देर पहले वुमेन डे पे मेरे को भी ऑनर किया उन्होंने, और मेरे से सवाल पूछा
कि मैम अगर इतना ज्यादा आप तशद्दुद होता है या आप इतना घबराते हैं तो फिर आप उस आदमी को छोड़ क्यों नहीं देते, तो ये क्या बात है, वो उसको तो चॉइस है कि वो तलाक दे सकता है, तो आप क्यों नहीं छोड़ देते, तो या कोई भी औरत क्यों नहीं छोड़ सकती अगर आप इतना महसूस करते हैं। तो मैं कहा मुझे बाकियों का तो पता नहीं, मैं एक शेर बोल देती हूँ उसी हवाले से मैंने कहा था, ताउम्र पर न तोल सके, ताउम्र पर न तोल सके, मौजजा कुछ यूं हुआ, ताउम्र पर न तोल सके, मौजजा कुछ यूं हुआ, सयाद भी दिलकश था, कफस से भी मोहब्बत हो गई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ जी हाँ, ये मन की बात है, हम तो सयाद को देखना चाहेंगे किसी कभी, तो अब क्या कहा जाएंगे छोड़ के, तो हम लोग बहुत अच्छा बन जाते हैं कि हम सारी उम्र वहीं रहना पसंद करते हैं, चाहे खलीश हो चाहे कुछ, तो हमें लगता है कि ये आपकी एक प्रोफेसर एक आप एक वही सवाल जो है कि आपकी जिंदगी में किसी औरत ने, मतलब माँ ने या आपकी सास ने या आपकी बहन ने या किसी ने तो ऐसा किरदार अदा किया जिससे आपकी जिंदगी को तब्दीली हुई या तब्दीली आई या कुछ ऐसा बहुत बड़ा? जी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मेरी अम्मी की रोल तो है, उन्होंने हमें किरदार की तराशने पे बहुत ध्यान दिया था कि औरत को किरदार ऊंचा होना चाहिए, फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आपको कुछ कह सके, और एक आप में कुछ सिफात गुण पैदा करो, टैलेंटेड हो कुछ भी चीज, तो ये उन्होंने। और मेरी जो बड़ी दीदी है, मेरी आपा है, तो उन्होंने मेरा बहुत रोल उनकी मेरी शायरी में या टैलेंट्स में या अपने आप को तहफ्फुज़ खुद को दिलाने में बहुत ज्यादा रोल अदा किया। जी हम चाहेंगे सर थोड़ा सा और अपनी जरा शायरी हमें कुछ एक नज़म कोई है कोई पांच अशआर कम से कम। मैं छोटा सा औरत के ऊपर ही बहुत सारी लिखी है, मेरी किताब भी आ रही है जिसका नाम ही खातून नामा है, तो उसमें से मैं आपको जी 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 जरूर 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 इंशाल्लाह। तो उससे पहले मैं एक शेर अर्ज करूंगी, तो वो जो कहते हैं कि लोग जो इन औरतें हैं, आप कह रहे थे ना खराब भी होती है, उन्होंने कहा बुरी औरतें भी होती है, अच्छी भी, आपने भी कहा, तो उसमें वो कई लोग कहते हैं कि औरत तो पत्थर दिल होती है, ये कुछ महसूस नहीं करती, उस हवाले से मैंने शेर लिखा था जी। लोग कहते हैं हम में गर्मी है जज्बात नहीं, लोग कहते हैं हम में गर्मी है जज्बात नहीं, लोग कहते हैं हम में गर्मी है जज्बात नहीं, और ये दिन रात का जलना क्या कोई बात नहीं। वाह वाह वेरी नाइस वेरी नाइस, रात का जलना क्या कोई बात नहीं। तो मैं कुछ चंद मिसरे एक नज़्म के बता देती हूँ आपको। औरत की जिस्त में तूफान भी गर्दाब भी, औरत की जिस्त में तूफान भी गर्दाब भी, खारो खम के रास्ते और जिंदगी शादाब भी, खारो के रास्ते और जिंदगी शादाब भी, इसकी फितरत में खिदमत भी मुरव्वत भी, इसकी फितरत में खिदमत मुरव्वत भी, मुरव्वत भी, दिल में मोहब्बत पैरों तले जन्नत भी, दिल में मोहब्बत जन्नत भी। शुक्रिया, बहुत खूब। मनफी इश्के हो जीस से मनफी हर रिश्ता, जो आपने कहा था इनके साथ सभी रिश्ते कायम है, तो मनफी इश्के हो जीस में से मनफी हर रिश्ता, वजूद से है इसके, वजूद से ही इसके खुशियां करें सजदा, इसके आने से खिजाओं को नींदे आ जाए, इसके आने से खिजाओं को नींदे आ जाए, दीद पा इसकी सितारे फिर जया पाए, दीद पा इसकी सितारे फिर जया पाए, जहां की वसत है इसकी दस्तरस में। मालूम ही आप कहां से कहां तक सोच लेती है, ये बिटिया इतना अच्छा अपनी फैमिली और खानदान संभाल रही है, तो जहां की वसत है इसकी दस्तरस में, शमसो कबर आबो गिल सब इसके बश में, शमसो कमर आबो गिल सब इसके बच में। और आखिरी मिश्रा है, गुल खातून है सरापा सब्रो शुक्र का रक्स, गुल खातून है सरापा
सब्रो शुक्र का रक्स, मत कहो इसे हकीर, ये तो है खुदा का अक्स, मत कहो हकीर इसको, ये तो है खुदा का अक्स। तो ये औरत की जी इसमें तूफान भी गर्दाब भी, खारू कम खम के रास्ते और जिंदगी शादाब भी। बहुत खूब तो, प्रोफेसर बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। मैं जो है ना वो स्पेशली अभी हमारे एक और गेस्ट हैं गुलशन आमिर हैं, तो हमारे साथ हैं, अभी वो आएंगी तो अपना कोई सवाल उनके पास होगा तो मैं आपको चार, मैं अपने भी थोड़ा सा प्रोफेसर आपकी नजर और सिस्टर रमेसा सादिया गेल और अंबर इना आपकी सबकी नजर खवातीन के हवाले से मैंने कुछ लिखे थे। एक घर की जान औरत है, एक एक घर की जान औरत है, सारी दुनिया की शान औरत है। क्या बात है। और माँ भी है और एक बेटी भी, माँ भी है और एक बेटी भी और भाई की आन औरत है। क्या बात है। और एक तो हर जगह पे खातून के बगैर तो ये कायनात मुकम्मल नहीं। जैसे रमेसा ने बड़ी खूबसूरत बात की, मैंने कहा था आज की वो खूबसूरत बात थी, कोई किस्सा हो या कहानी हो, कोई किस्सा हो या कहानी हो, सबसे आला बयान औरत है। क्या बात है। सबसे आला बयान औरत है। और अगला शेर है कि, और ये शेर जो है वो आप सबकी नजर और तमाम खवातीन बहन बहनों बेटियों माओ की नजर, जिंदगी को जन्म ये देती है, जिंदगी को जन्म ये देती है, जिंदगी का जहान औरत है। बहुत खूब। जिंदगी को जन्म ये देती है, जिंदगी का जहान औरत है। एक एक घर की जान औरत है, सारी दुनिया की शान औरत है। और हम चलते हैं अगला जो हमारा आखिरी वही होगा कि आपने जिंदगी में बहुत सी खवातीन देखी, बहुत सा आपने काम किया, मुख्तलिफ शोबों में काम किया, हमारे लिए हमारे माशरे के लिए दो दो मिनट में आखिर में, चूंकि हम बहुत लंबा प्रोग्राम करेंगे तो जरा बोर भी हो जाएगा क्योंकि लाइव जा रहे हैं हम, तो मैं चाहता हूं कि आप खवातीन के लिए क्या पैगाम देना चाहती हैं, दो मिनट के लिए सारी खवातीन हम चलते हैं। जी जी सादिया जी, जैसे मेजोरिटी कहा जाता है कि जी दुनिया पूरी दुनिया के मर्द जो है औरतों को कम समझते हैं, वीक समझते हैं, मैं ये कहूंगी जो जिसने जो समझना उसको समझने दें, आप अपने तौर से अपने काम को जारी रखें, आपने खुद प्रेजेंट कर, आपने अपने आप को खुद साबित करना जी मैं कम नहीं हूँ, ये हिम्मत आपने अपने अंदर खुद पैदा करनी है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। आपका जो पैगाम है खवातीन के लिए क्या है, चलिए आपसे फिर हम इसको चलते हैं इख्ताम की तरफ, तो आप के पास क्या पैगाम है खवातीन के लिए, हमारे कलम का इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से आप क्या खवातीन को पैगाम देना चाहती हैं? मेरा मैसेज खवातीन के लिए नहीं, मेरा मैसेज माओ के लिए है, मदर्स के लिए स्पेशली, कि अपनी सोचों को चेंज करें, अपने आप को चेंज करें। बिल्कुल बिल्कुल, एग्री। माए जो वो अपनी सोचें चेंज करें, अपने बेटियों की तरबियत में थोड़ी सी चेंजेस लाएं, अब थोड़ा सा उनको, जबकि जब वो सिखाएंगी ना अपने बेटों को, औरत की औरत तो बहुत बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, सिंपली घर से जब हो जाता है कि बराबर है सब, और बल्कि बराबर के आपको ज्यादा करना है, बराबर नहीं बल्कि औरत आपसे ज्यादा है, आपने रिस्पेक्ट देनी है, आपने ज्यादा प्यार करना है, आपने ज्यादा कर ज्यादा उनको दें, बराबर पे ना लाए बल्कि लड़कों को औरत के मैटर में उनको हर चीज में ज्यादा, आपने ज्यादा प्यार करना है, आपने ज्यादा तवज्जो देनी है, उसको ज्यादा खाने की जरूरत है, उसको ज्यादा। बिल्कुल, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। के इनका जो पॉइंट ये है आखिर में, पैगाम ये है कि खवातीन को अपनी और खासतौर माओ को, सॉरी माओ को अपनी जो है वो सोच तब्दील करनी चाहिए और बेटा और बेटी दोनों को इक्वली डील करना चाहिए। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। जी सिस्टर साहब, आप क्या पैगाम देना चाहती हैं आज के इस मौका पर, क्योंकि खवातीन का आलमी दिन जो ही अभी गुजरा है, बल्कि आलमी दिन अभी हम आज मना रहे हैं खवातीन का आलमी दिन, तो क्या चाहती हैं कि खवातीन करें पाकिस्तान में? सबसे पहले तो जैसे मेरी बहनों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, और ये मेरा अपनी माओं से, बहनों से, बेटियों से सबसे यही गुजारिश है कि हम औरतें जो हैं वो औरत की दोस्त बने ना कि दुश्मन। अगर औरत औरत की दोस्त बन जाएगी ना, तो जो शुरू में हम कहते हैं कि माँ हवा की वजह से
गुनाह ने जन्म लिया, तो वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो झगड़े पड़े हैं ना शुरू से, अगर औरत औरत की दोस्त बन जाएगी तो वो झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि और बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे मुआशरे में, सास बहू की ले लें, भाभी नंद की ले लें, कोई छोटी सी बात पे आपस में उनमें झगड़े पैदा हो जाते हैं। तो हमें औरत अगर औरत को सपोर्ट करेगी ना, तो जिंदगी में तब्दीली भी आएगी, सोच में तब्दीली आएगी, और हमारे भाई हमारे बाप जो है वो हमारी कदर को जानेंगे, रिश्तों को कबूल करेंगे, बिल्कुल हमारे साथ चलेंगे। तो अभी वक्त है कि हमें अपनी आवाज को बुलंद करना है, एक दूसरे की मौजूदगी को पहचानना है और कबूल भी करना है। तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच जी सुशील साहब, बहुत, क्योंकि हम इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे और एक पर्टिकुलर प्रोग्राम करेंगे कि सास का किरदार क्या होना चाहिए, माँ का किरदार क्या होना चाहिए, ये हम करेंगे प्रोग्राम। अभी हमारा ये बड़ा अच्छा पैनल बन गया है जी। रमेशा आप क्या चाहती हैं कि जैसे आप जैसी अच्छी अच्छी जो बहुएं हैं वो क्या करने चाहिए उनको, जैसे आपने कहा तो जी। ये हमारे आए हैं जी हरबाश कौर साहब हैं ये जी 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 रमेशा एक दो मिनट के लिए जी। हाँ जी जी, मैं यही कहूंगी सारी औरतों को अप्रिशिएट खुद भी करूंगी, और यही कहूंगी कि आप ये ना देखें कि आप जो कर रही हैं आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, आप खुद को खुद अप्रिशिएट करें कि मैं जो कर रही हूँ वो कोई और कर ही नहीं सकता। बहुत खुद अपनी अप्रिशिएशन खुद बने कि जो काम मेरा है, यानी कि आप जैसे जैसे बाइबल में लिखा है कि जो भी काम करें आप खुदा के लिए करें, खुदा के लिए, ये जानकर बिल्कुल ये वाला अच्छी है यही। हाँ जी, कि यही कि हम खुद अपने आप को अप्रिशिएट करें कि जो मैं कर रही हूँ ये कोई और कर ही नहीं सकता, इस काम के लिए खुदा ने मुझे चुना। अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें, तो यही कहूंगी अपनी अप्रिसिएशन खुद ही बने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपका अपना हौसला बुलंद होगा। हाँ जी जी, अभी जी आखिर में जी फिर हम प्रोफेसर के पास जाएंगे और उनका थोड़ा सा कलाम भी सुनेंगे। और जी अंबरीना आप क्या पैगाम देना चाहती खवातीन को इस खवातीन के आलमी दिन पे? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मेरा खवातीन के लिए तमाम, क्योंकि एजुकेशन से मेरा लिंक रहा है, और मैं बहनों को बेटियों को स्टूडेंट्स को और हर फैमिली के रिश्ते को जो कि फैमिली में है, बहू है बेटी है माँ है, सबको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अपनी जो भी काम आपको दिया गया है उसको घबराने की बजाय, अपने आप को बुरा भला कहने की बजाय एक जिम्मेदारी समझ के करें कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा की तरफ से मिली गई है। आपने खुदा समझे, आप बोझ समझेंगे आपकी बॉडी जो है पहले टायर्ड हो जाएगी उसको करने से पहले, लेकिन जब आपके जहन में एक मोटिवेशन होगी कि मैंने करना है, आप फ्रेश रहेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अपने बहन भाई और बेटियों को भी। कभी एक छोटी सी मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, कभी जैसे मैंने जो बच्चों को सिखाया अपने छोटे बहन भाइयों को सिखाया इस तरह से कि जैसे कमरे में गंद पड़ा है या चीजें कमरे को करना है, तो मैंने कहा आप टाइम देख के करो, 10-15 मिनट सिर्फ आपको लगेंगे तो कमरा एक इतना नीट हो जाएगा। किचन का काम है आप टाइम देख के करो, उस 15-10 मिनट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ऐसे ही हुआ। और आज जो है मेरे बहन भाई जो छोटे हैं बड़े हैं, मेरे दोनों बेटियां कामयाब हैं अपनी जिंदगी, और मेरी स्टूडेंट्स जो मेरी स्टूडेंट्स थी जो कि माए मेरे साथ डिस्कस करती होती थी मुख्तलिफ मसले मसाइल बेटियों के काम नहीं करती या अपना स्टडी में तवज्जो नहीं देती, तो हमेशा बच्चों को मैंने ये सिखाया कि बच्चों जिम्मेदारी समझ के करें, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो खुदा की तरफ से आपको मिली है। और एक छोटी सी आयत जो कि मैं बहुत ही शुरू से लाइक करती हूँ और मेरी क्लास में हमेशा होती थी, इन पाकिस्तान इट इज डिफरेंट, हुक्म मानने से कुर्बानी चढ़ाने से हुक्म मानना बेहतर है। ये मेरी एक मोटिवेशनल, मेरी अपने लिए, मेरे स्टूडेंट के लिए और मेरी तमाम बहू बेटियों, मेरी बेटियों के लिए और मेरे स्टूडेंट के लिए। तो ये चीजें जब हम अपने अंदर से चलते हैं ना करते हैं तो तभी कामयाबी होती है। कोई हमें जितना मर्जी कहता रहे लेकिन हमें अपने अंदर से जिम्मेदारी को फील करना है, और ये कभी भी बोझ नहीं आपको लगेगा, टायर्डनेस नहीं होगी, आप फ्रेश के फ्रेश ही रहेंगे। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच अंबर अपने तजर्बात और अपनी सारी जो टीचिंग के हवाले से भी और अपने बहन भाइयों के हवाले से जो बता रही थी, वाकई
इन्होंने बहुत काम किया है। और मैं बताते चलूं कि हम सब जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपके बारे में बताऊं कि मैं अगर यहाँ पे हूं तो मेरी माँ वो अनपढ़ थी, मैं आपको बताऊं कि मेरी माँ मेरी प्रोफेसर, मेरी वो सब कुछ थी। शी वॉज माई फर्स्ट यूनिवर्सिटी, मैंने PhD किया है, यहां तक स्टडी मैंने किया। तो ये सारा जो है वो उन्हीं का वजह से, मैं जब ना शुरू कर दो तो ये सिलसिला ऐसे होता है कि जब आप आपकी माएं वो आप एक ऐसा किरदार अदा करती हैं जो एक प्रोफेसर नहीं कर सकते, एक टीचर नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली वो तो हमारे लिए प्रोफेसर है। तो हम चलते हैं गुरदीप गोल साहबा से और उनका कलाम सुनते हैं। एक और हमें कोई नज़म का गजल जो आपने लिखी है ख्वातीन के हवाले से सुनाए और फिर हम इसको आज के प्रोग्राम को खत्म करते हैं। जी बिल्कुल, मैं भले एक शेर बता दूं। मैंने सबकी बातें सुनी, बहुत मुतासर किया मुझे, और मैं भी यही कहना चाहती हूँ जो उनकी माँ है, तो माँ का रुतबा पहले इतना नहीं पता लगता, जब आप माँ बनते हैं तब आपको पता चलता है कि माँ क्या कर सकती है, उसके हाथ में क्या है। तो हम खुद ही, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि बच्चों के मन में डाल देता है कि अकेले अंधेरे में मत जाना, हिफाजत चाहिए, किसी को ले जाओ, भाई को, बाप को या फ्रेंड्स को। तो ये बात उनको यही पैगाम है कि अपने आप को खुद में महफूज समझे। ठीक है, फिजिकली हम कमजोर हैं, नहीं लड़ सकते फिजिकली नहीं, लेकिन हमारे पास जहन है, हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि लोगों को खुद ही लगे कि वो हमें अदब और एहतराम से देखे, तो उनकी हिम्मत ना पड़े हमारी तरफ देखने की। तो ये बात है, तो कोई कहते हैं क्या है, औरत ही खराब है, औरत ही अच्छी है, तो वो तो हर इंसान है, आदमी भी वैसे ही है, दो तरह के ही होते हैं, अच्छे और बुरे, और औरत भी ऐसी होती है, दो तरह की। प्रोफेसर, एक वैसे इसी बात से जो है ना, मैं एक बात करना चाहता हूँ। हम लाइव हैं फेसबुक पे, हम अक्सर ये देखते हैं हमारे माशरे में ये बड़ा बहुत ज्यादा जो है वो अनजस्टिस है, अनफेयर बात है ये, कि हम कहते हैं कि वो अच्छा वो कैसा है, वो लड़की कैसी है, वो किरदार की कैसी है, वो लड़के के किरदार को देखते नहीं है। बिल्कुल जी, यसुअ मसीह ने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट की थी, जब एक औरत जब थी वो गुनाह करते हुए पकड़ी गई, तो उन्होंने कहा कि जी किसने नहीं गुनाह किया, आप में से कौन है जिसने गुनाह नहीं किया, तो वो जमीन पर कुछ लिख रहे थे, कौन है जिसने गुनाह नहीं किया, तो वो पहला पत्थर उसको मारे, वो मारे पत्थर, तो कोई वहां पे खड़ा नहीं था, वो चले गए थे वहां यहीं पे, छोड़ के चले गए थे, और वहां पे यसुअ मसीह और वो खातून जो थी, वो दोनों रह गए थे, वो कहां गए हैं, वो चले गए। तो ये बात है कि पहला पत्थर वो मारे जो बिल्कुल बेगुनाह है। ये जो दो मिसालें हैं, और ये जो हमारी आज की खवातीन है, माएं बहने हैं, मेरी तीन बेटियां हैं, तो दे आर डूइंग वंडरफुल, मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि कभी कभी हम ये सोचते हैं, ऑनलाइन में बात कर रहा हूँ, कि अगर मेरा शायद बेटा होता तो वो शायद कभी कभी ये कहता कि जी आप क्या डैड बैठे रहते हैं इधर, कभी कुछ ये करते हैं, कभी कुछ ये कर दो, बट मेरी जो बेटियां है वो ऐसा नहीं करती। तो ये जो है मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि खवातीन जिनके घर में होती हैं, ये बेटियां जिनके घर में होती हैं, तो वहां पे बरकत होती है, वो रहमत होती है। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी पाकिस्तान में हमारी आवाज सुन रहे हैं, मैं उनके लिए जो औरतों पर जुल्म करते हैं, बेटियों पर जुल्म करते हैं, उनको रोकते हैं, या मतलब अच्छी गलत काम से तो रोकना है, लेकिन जुल्म जो करते हैं, मैंने ऐसे खावंद देखे जो बड़े ही खालिस हैं, बड़े खतरनाक है, क्रूअल है, और वो लड़कियों औरतों को कुछ समझते नहीं है। और ये जो है हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से और हमारे कलमकार के जो तीन चार मकसद, उनमें से एक मकसद ये है कि हम अच्छी बातें अपने प्लेटफॉर्म तक से पहुंचाएं, बच्चों के लिए, माओ के लिए, बहनों के लिए और बेटों के लिए, और उनको हम बदलें, नौजवानों को भी बदलें। जी आपने बेटी की बात की तो मैं बता दूं, मेरे दो बेटे ही हैं, लेकिन मैंने उनको ऐसे पाला है कि अपनी, ये ब्रॉट अप की बात है, आपने कैसे उनको बिल्डअप किया। एहतराम से रखते हैं। एक मेरे जहन में भी बात आ रही है कि हम जब हमारी बेटियां होती है ना, तो हम बेटियों को बेटा कह सकते हैं, लेकिन कभी हम बेटे को बेटी नहीं कह सकते, तो ये बड़ी बड़ी खूबसूरत बात है कि अच्छा मैं कहती हूँ बेटा ही कहती हूँ, और छोटी बेटी तो अक्सर बोलती भी लड़कों की तरह रही है, अभी थोड़ी सी ठीक हो गई है। नहीं, मैं अपने बेटे को प्यार से बेटी बना के, छोटे वाले को प्यार से बेटी करके बात, अपने बेटी का तो बेटी के हवाले से, मेरी बेटी जी इरशाद क्या बहुत पसंद है, तो उसके जन्मदिन पे मैंने यही लिखा था, मेरी भतीजी हुई थी, तो गुलों की महक
सदफ का नायाब मोती, गुलों की महक सदफ का नायाब मोती, चांद की जिया और धनक सी तितली, धनक रेनबो को बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं जी, हाँ, गुलों की महक सदफ का नायाब मोती, चांद की जिया और धनक सी तितली, बेटियां होती हैं हयात का राज, बेटियां होती हैं हयात का राज, गुल दुख्तर तो है रब का एजाज, गुल दुख्तर रब का एजाज, तो ये एजाज होती हैं रब भगवान का। तो एक चंद बहुत बड़ी लंबी नजम है, चार पांच मिनट आपको सुना देती हूँ। पूछा किसी ने खातून क्या है, तो मेरी नजम का उन्वान है खातून क्या, मोजज़ा है मुअम्मा है क्या है, मोजज़ा है मुअम्मा है क्या है, संग है करिश्मा है क्या है, क्या है, वाह वाह बहुत अच्छा, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, तश्नगी है तलब है तस्की है क्या है, फूल है कली है तितली है क्या है, क्या है, अज़ा है सजा है मजा है क्या है, वाह, मासूम सूरत कातिलाना अदा है क्या है, वाह, दीवाने का हसी गुनाह है क्या है, पाक किताब लपेटने की कबा है क्या, वाह, क्या है, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त, वंडरफुल, मजा आ गया सुनके, भूख है बहुत खूब, भूख है तश्नगी है रूह का लुकमा है क्या है, भूख है तश्नगी है रूह का लुकमा है क्या है, तस्बीह का मन का मुसल्ला कलमा है क्या है, मन्नत है जन्नत है कलीसा है क्या है, बहुत अच्छा, इंसान की जकात का सिला है क्या है, तो जुस्तजू है आरजू है सबू है क्या है, वाह वाह बहुत खूब, अब्रू बहुत खूब, वंडरफुल, वजू है क्या है, वाह, आरजू दरसे नमू वजू है क्या है, तो आखिर में सदफ है पलक है फलक है क्या है, कसक है तड़प है लचक है क्या है, वाह वाह वाह, कलमा है सजदा है या अश्क कोसा है, कलमा है सजदा है या अश्क कोसा है, गुल हकीकतन खातून रब का बोसा है, जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, लंबी नजर मैंने, थैंक यू सो मच, आपने औरत को एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ, हाँ जी बहुत कुछ कर दिया, और हमारे साथ एक हैं गेस्ट हैं गैलेक्सी M30S से हैं, अब हमने पता है कौन है, बहरहाल थैंक यू सो मच, आज का प्रोग्राम कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा था, और ख्वातीन के आलमी दिन के मौके पर हम ख्वातीन को, तमाम बहनों को, माओ को, बेटियों को और बीवियों को भी करते हैं, उनको वार कहते हैं, जरा अपने खावंदों पर हाथ हौला रखें, और थैंक यू सो मच वंस अगेन, तो ये जो है ये वैसे मजाक ही है, और ये सारा जो सब लोग जानते हैं, हम करते रहते हैं बातें ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा हम जो है वो हमारा जो ताल्लुक है, हमारा रिश्ता जो है वो इज्जत एहतराम का रिश्ता है, जो मियां बीवी के दरमियान में और भाई बहन के दरमियान में, और इस तरह से माँ बेटे बच्चों के दरमियान में एक रिश्ता है, वो मोहब्बत का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, किसी ने कहा था कि मोहब्बत जो है वो अगर जिस्म होती ना तो मर चुकी होती, मोहब्बत जिस्म नहीं है, मोहब्बत एक एक बहुत ही लतीफ जज्बा है, मोहब्बत एक रूह के साथ ताल्लुक है, मोहब्बत रूहानी जज्बा है, तो इसलिए अगर जिस्म होती तो अब तक तो जिस मोहब्बत मर चुकी होती, तो मोहब्बत मरती नहीं है, मोहब्बत जिंदा रहती, क्योंकि वो रूह है और वो लतीफ है। सो मच रुमैसा और सादिया गिल, बहुत अच्छा आपने हमें कनाडा की सैर करवाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, दुबई का भी, और इधर से फैसलाबाद हैं जी, तो बहुत अच्छा लगा, आप सबका बहुत शुक्रिया, वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू केम एंड यू ऑनर्ड दिस प्रोग्राम एंड कलमकार इंटरनेशनल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।